जब स्वामी जी महाराज पहले जैन धर्म में थे, फिर आर्य समाज में आए और बहुत ही कुछ बदल करते हैं। इन्होंने जैन धर्म में भी और आर्य समाज में भी बहुत ग्रंथ लिखे हैं। कुछ कोटि के विद्वान थे, जब इनको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्हें सब छोड़ दिया। हम आपको कह रहे हैं, इसलिए माता पिता की सेवा करो। अगर वहां कट जाता है आपका लाइन, कैंसर बिजली कट गई है, अगर बीच में टाइम कट गया तो आपको बिजली नहीं। इसलिए माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि बबी परिवार को पहले बहुत दिन से साथ सदा करके आपको सभी को बुलाए। बबी परिवार के यहाँ से आना जाना मेरा भी बहुत दिन से है। मैं ये देखा हूँ ये लाला जी कितने सेवा करते हैं, पत्नी पुत्र आप सभी। और प्यारे भाइयों, ये वास्तव में जो आज समय है ये ऐसा है, इस परिवार की लोकप्रियता, परिवार का मिलन, परिवार लाला जी बड़े ही परिश्रम स्वभाव के, और सबसे सामने मैं देख रहा हूँ केवल भगवाड़ा नहीं, पंजाब नहीं, बहुत दूर दूर से, और लाला जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए लाला जी के संस्कार जो है, ये बेटे कुलवंत पपी और केशव पपी सारा परिवार जो है उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने जीवन का लाभ उठा रहा है। तो मुझे स्मरण है और लाला जोगिंदर पाल पपी इनके नाम से एक ट्रस्ट जो है इसके तुरंत बाद जो है वो बनाया जाएगा, और वो ट्रस्ट जो है जरूरतमंद परिवार, होनहार मेधावी छात्र जो पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ते उनके लिए, और कुछ ऐसे रोगी जो दवाई नहीं खरीद सकते उन रोगियों की से 51 परिवारों को राशन दिया जाता है। तो कुलवंत पप्पी जी ने उस समय एक महीने का पूरे का पूरा राशन इकलौता परिवार को संपत्ति घर आवेशा
भगवंत जी से, केशव जी से, सारा परिवार पिताजी को मस्तक नभाकर और बाहर जाकर खड़ा हो जाए। राम शब्द गुण खान, राम राम राधिए
नमस्कार।
ਸਦਾ ਕਸਮ ਕੀ ਸਾਰ ਤਪ ਧਿਆਨ ਯੋਗੀ ਧਿਆਨ।
अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो नाम चिंतामणि रत्न अमो राम 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 जप शुभ छंदो प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडल निबोध सुष्मण खोले राम मंत्र अमृत रस घोले राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जप जगे अभंग जेले फूल मारी पतित पावन परम पार राम राम जपिया सफल सिद्धि कर साधना नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध शिवर जप दे राम नाम सब सुख कर हमी भजते प्रचार राम
ਪਤੇ ਹੈ ਮਮ ਮਨ ਨਾਮ ਸੁਮਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਜ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰੀਏ ਨਿਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਾਮ ਜਿਤਨੇ ਕਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅਭਿਰਾਮ ਜਪਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਹਾਮਾਲਾ ਲਗਦਾ ਨਰਕ ਦੁਆਰ ਪੈ ਤਾਲਾ ਜਪਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਕਰਤੇ ਭਗ ਭੈ ਫੂਟੇ ਮਨ ਕਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ
और
ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਉਪਾਧੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪਾਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ 87 ਵਰਸ ਦਾ ਉਮਰ ਥਾ ਔਰ 87 ਵਰਸ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਗਰ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਤਵਯ ਸਥਾਨ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਵਹੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਜਾਏ ਰਸਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਏ ਜਬ ਵੀ ਜਾਏ ਵਹੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਅਮੀਰ ਹੋ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਵਾਨ ਹੋ ਫਕੀਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਸਭੀ ਦੀ ਮੁਸਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮਰਦੇ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮਰਦੇ ਹੈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜਿਨਦਾ ਸਭ ਕਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰੋੜ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਨੇ ਜੀਵ ਕੋ ਡਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਸੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਮੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤੋ ਸਮਝ ਕਿ 50 ਪੇੜ ਵੀ ਆਮ ਸੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਪੇੜੋ ਸੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਆਪ ਕੋ ਆਮ ਖਾਲੀ ਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲੋ ਬੇੜਾ ਪਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰ ਰਾਸਤਾ ਹਮਨੇ ਨਿਕਾਲ ਰੱਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੁ ਗੁਰੂ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਮਃ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ ਇਸਕੀ ਹਮ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਨਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ब्रह्मा जी की हमारा पिता कितना मेहनत करके छोट से बड़े तक अमीर से गरीब तक बहुत मेहनत करके हमें आगे बढ़ाते हैं और ये गलत है तो वो संहार करते हैं हमारे बुराइयों का तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुरु के कौन है हमारे गुरु हैं सबसे पहले हमारी माता हमारे पिता जब हम जन्म करते हैं सबसे बड़े गुरु है भगवान कहते हैं कि हम अपने तरफ से एक रास्ता बताते हैं उनकी सेवा करो उन तरफ से हम आपको भेज रहे हैं इसलिए माता पिता की सेवा करो अगर वहाँ से कट जाता है आपका लाइन टेन से बिजली कट गई है अगर 20 में स्टार्ट कर गया तो आपको बिजली इसलिए माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि जो भवी परिवार को पहले बहुत दिन से साथ पता चलता है आपको सभी को बुलाए ਪਰਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਨਾ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਤਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਜੋ ਆਜ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਵਿਲਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਾ ਜੀ बड़े ही परिश्रम स्वभाव के और सबसे सामने मैं देख रहा हूँ केवल फगवाड़ा नहीं पंजाब नहीं बहुत दूर दूर से
और लाला जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए लाला जी के संस्कार जो है ये बेटे कुलवंत पपी और केशव पपी सारा परिवार जो है उनके लक्ष्य कदम पर चलकर अपने जीवन का लाभ उठा रहा है। तो मुझे स्मरण है और लाला जोगिंदर पाल पपी इनके नाम से एक ट्रस्ट जो है इसके तुरंत बाद जो है वो बनाया जाएगा और वो ट्रस्ट जो है जरूरतमंद परिवार होनहार मेधावी छात्र जो पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ते उनके लिए और कुछ ऐसे रोगी जो दवाई नहीं खरीद सकते उन रोगियों की से 51 परिवारों को राशन दिया जाता है। तो कुलवंत पप्पी जी ने उस समय एक महीने का पूरा राशन इकट्ठा कर मस्जिदों के गुरुद्वारों के लिए और संस्थाओं के लिए जो है वो निकाली है। तो माता और भाइयों आप सभी इस परिवार के साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर आए हैं तो समय बहुत तेजी से बीत चुका है। मेरे पास इतने बुलारे हैं कि उनके नाम लेना भी मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सबके नाम भी ले सकूं। लेकिन तो मैं केवल एक एक मिनट के लिए सर्वप्रथम बहुत ही दुखद समय है दिवंगत आत्मा को सब लोग अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं स्वयं को उसमें सम्मिलित करते हूँ। लाला जी हमारे चंद शब्द यहाँ पर कहे हुए आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आप स्वयं एक खुली किताब थे जो आया उसने जाना है जो पढ़े अंक उसने एक दिन कहना है एक सच्चाई अपना नाम पूरे परिवार सारे उन्होंने चारों पुत्र इस तरह ही मेहनत करते उन्होंने चलना उन्होंने नक्शे कदम से चलते हुए समाज की सेवा करेंगे ऐसी आस्ते सारे दिन परिवार वालों भाग लेना है और मैं सभी अपनी बहनों से और भाइयों से कहूंगा कि पूरी ऊंची आवाज में क्योंकि ये परिवार बड़ा धार्मिक परिवार है तो उसी को देखते हुए उनके लिए भोजन लंगर तैयार है वो कृपया लेकर जाए। ये परिवार की ओर से विनती है कि कोई भी बिना लंगर के ना जाए। तो आइए मेरे साथ सभी आरती में सहयोग दें सभी बोलिए ओम जय जगदीश करे ओम जय जगदीश Thank you.
पिताजी को मस्तक नभाकर और बाहर जाकर खड़ा हो जाए। ये वो कृपया प्राप्त करके जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ